गाइस देख रहे हैं यहाँ पे डांस हो रहा है, मतलब बात है कि दरबार पे आगे लोग इतना खुश हैं। चलो क्या हाल है उठ गए अपन, सो गए भाई साहब। क्या बना रहे आज? टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बन रही भाई आज? यार मैं पैन कर टमाटर टमाटर भाई भाई यार देखो पोचा मार रहे भाई, पोचा पापा जी पोचा मार रहे भाई हमारे, मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। तो चलो भाई मिलते हैं अभी, नहाते नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है? हाँ तो गाइस अब निकल गए हैं भाई अपने मोहल्ले में। अरे वो चैन खुलती नहीं है वो ऐसी है वो चैन। हाँ तो भाई ये अपना प्यारा सा राजीव नगर और इसकी हालत तो इन्होंने ख़राब ही कर रखी है। और बाकी हम लोग जा रहे हैं आज सूरकंडा देवी टेम्पल, क्योंकि आज है नवरात्रा, तीसरा नवरात्रा आया, तो हमने सोचा आज चलते हैं माता के मंदिर, दर्शन भी कर लेंगे अच्छे से। और ठंड भी, कल बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो आज ठंड अच्छा होगा मौसम ना वहाँ पे, और हेज़ वगैरह भी नहीं होगा तो मज़ा आएगा। और बाकी हमारे साथ लौंडे आज बहुत सारे हैं, पूरी टीम है, 8-10 लौंडे हैं, तो भाई हमने ही बोला चलते हैं, तो अभी मिलाते हैं आप लोगों को उनसे। पहले तो और मेरे साथ तो ये चीता बैठा हुआ दिख रहा होगा आपको, यार चमक रहा है भयंकर आज तो। बाकी यार वीडियो बना नहीं पाया, लेट हो गया था ज़्यादा, मैं उठा ही लेट में, और बस थोड़ा बहुत ही दिखाया, खाना खुना खाया नहीं हमने, क्यों खाली पेट जाएंगे दर्शन करने। दोनों तरफ नालियाँ बन गई है देखो, अब रोड ये चौड़ी होने वाली है कुछ टाइम बाद, तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होने वाला है, क्योंकि शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे, भयंकर आधे आधे घंटे तक फंसी रहती है गाड़ियाँ। तो बढ़िया काम चल रहा है अभी जोरों शोरों से। हाँ तो अभी भाई साहब वीडियो तो स्टार्ट ही नहीं करी मैंने आज भयंकर। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं विशाल आप सब के लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो एक और नए दिन के साथ। बाकी गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा फाड़ू होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा आज के व्लॉग में, क्योंकि देखो कल हो रखी थी बारिश बहुत तगड़ी और ठंड हो रही थी, और आज थोड़ा सा धूप निकली है, तो हमने आज प्लान बना दिया सूरकंडा देवी जाने का, मैंने बता दिया होगा आपको। और साथ में हमारी पूरी टीम आ रही है, 6-7 लौंडे आ रहे हैं, तो भाई पूरा मज़ा आएगा आज सूरकंडा देवी जाके, माता के दर्शन हो जाएंगे नवरात्र में। पहले तो तेल डला लेते हैं, और देखो भयंकर कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, ओह माय गॉड। तो गाइस ये है हमारी टीम पूरी पूरी की पूरी टीम, 200 में नहीं जाने की यार ये, तो चले भाई लोगों, बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो चलो गाइस निकलते हैं फटाफट अब, क्योंकि लेट हो गई है, 11 बज गए हैं, और निकल रहे हैं मालदेवता की तरफ से, तेल तूल हमने डला दिया है। हाँ तो गाइस अब हम पहुंच गए अभी मालदेवता वाली रोड पे, और यहाँ से है वहाँ का रास्ता 55 किलोमीटर के आसपास, 55 ही होगा हाँ, क्योंकि हमने गूगल मैप पे चेक करा तो यहाँ से दिखा रहा है 55 से 56 किलोमीटर, और दो घंटे का रास्ता प्रॉपर दिखा रहा है, और इतना हरियाली भरियाली हो रखी है यहाँ पे, हरा भरा एकदम मौसम मस्त, भगवान ने एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और मौसम भी बदल दिया भाई। अभी परसों 28 डिग्री था तापमान, और कल एकदम सीधा 17 डिग्री पे आ गया, तो लोगों की जैकेटें जुकेटें निकल गई हैं। तो जी गाइस ये आ गया है मालदेवता का मार्केट, मेन मार्केट जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे कॉलेज वगैरह भी हैं राइट हैंड पे, बाकी अपना इतना ही सुंदर लग रहा है, पहाड़ देखो, और यहाँ से रास्ता कटता है एक लाल पुल का, जो कि अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जिसको नहीं पता होगा वहाँ का रास्ता तो बता देंगे हम वैसे। तो लो जी गाइस आ गए हम देहरादून के कश्मीर में, भाई देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। बाकी यहाँ पे नदी आ रखी थी एक टाइम पे, फुल आती थी नदी, और यहाँ पे इन्होंने पुश्ता वगैरह बना दिया, बाकी वहाँ पे क्रिकेट क्रिकेट के लिए इन्होंने मैदान भी बना दिया लौंडो ने, ना पता ही है आपको गांव के लौंडे तो क्रिकेट बहुत खेलते हैं। और हमें मालदेवता के लिए नहीं जाना, हमें जाना है ऊपर के लिए, जो कि जाता है टिहरी के लिए रास्ता,
तो ये देखो यहाँ पे 70 किलोमीटर यहाँ से धनौल्टी दिखा रहा, पर एक्चुअली में क्या है इसको मत देखना आप, ये 70 किलोमीटर दिखा रहा है पर एक्चुअली में 55 किलोमीटर दिखा रहा था हमें, अभी देखते हैं। 63 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। अरे नहीं ये वाला रास्ता ना, तो कभी कम दिखाता तब ज्यादा दिखाता है। तो यहाँ से ना दो रास्ते घटते हैं, पर वो वाला रास्ता दिखा नहीं रहा है यहाँ से, वो हमें पता है चलेंगे हम। किलोमीटर है वही, मतलब 60 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से मालदेवता वाली चौक से। हाँ तो मेरे दोस्त देखो हम पहुँच गए हैं पहाड़ों के रास्तों में, और पतली पतली सड़कें और बढ़िया बढ़िया नज़ारे, और साथ ही में क्या है हमारी वानर सेना। ये देखो, ये चेक करो आप, ये चेक, ओए 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 ओए, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, अरे भाई साहब लड़ाई हो गई। ये उनका वो है बॉस है, बॉस लड़ाई बच गई मैं एंकर। बाकी सही में यार क्या ही नजारा है कसम से भाई लद्दाख। और गाइस एक ये वाला रास्ता है, यहाँ से पूरा ऑफ रोडिंग मिलेगा आपको, जिसको ऑफ रोडिंग करनी है वो यहाँ से जा सकता है। ये देखो ऐसे ऐसे ब्रिज देखने को मिलते हैं यहाँ पे। व्हाट अ ब्यूटी गाइस, अपना उत्तराखंड किसी से कम नहीं है भाई। और इस टाइम पे तो पूरी फैसिलिटी दी जा रही है उत्तराखंड में। हैं तू यहाँ से कब गया? अरे जब बिने और के साथ आया था अपने लॉन्डो के साथ, जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई थी तो हमें वहीं स्टे करना पड़ा था, वो यही वाला रास्ता है। ओहो तो गाइस ब्यूटी देख रहे हो अपने उत्तराखंड की, अपना माल देवता कितना बढ़िया लग रहा है, और सामने हरा भरा हो रखा है पूरा यहाँ पे लोगों का खेत। हाँ तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं दुबड़ा, ये है गांव का नाम दुबड़ा, दुबड़ा गांव का नाम है। बाकी यहाँ पे 4-5 घर होंगे, 4-5 घर का गाँव है। और अंकल जी यहाँ पे थोड़ा घास कटाई वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी स्लिप भी होती है घासों पर। ओहो क्या ही मस्त लग रहा है, ओह माय गॉड ये चेक करो गाइस, क्या बोलता है राहुल, जगह कितनी प्यारी लग रही है, ठंडा आ गया भाई यहाँ पे, ठंड लगने लग गई। और बताओ अभी देहरादून से हम मालदेवता से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं, और ठंड शुरू हो गई है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नज़ारा उतना ही सुंदर होता जा रहा है। ओफो ये चेक करो, अगर हम लोग खाली पेट निकले थे आज, चाय चुई भी मैं तो चाय पी के आया था आज, मैंने बोल दिया था मम्मी को बाद में खाएंगे हम, वहीं पे खाएंगे दर्शन करने के बाद। ये क्या मस्त लग रहा है भाई कसम से, ये देखो वाह ओफो क्या मस्त लग रहा है यार कसम से। और इस कीड़ों की आवाज़ देखो साइलेंट, मतलब कीड़ों की आवाज़ और चिड़िया की आवाज़ इतनी प्यारी आ रही है ना यहाँ पे। और एक जो नज़ारा आपको यहाँ मिलेगा ना वो मसूरी में नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखो ऐसे ऐसी जगह है। ओ भाई साहब यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है, वीडियो देख रहे हो क्या ही खतरनाक लग रहा कसम से भयंकर। बस मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको मसूरी से मत आओ भाई, यहाँ से आओ अगर आपको धनौल्टी जाना है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। ऐसे ऐसे नज़ारे, ऐसे ऐसे छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग, एडवेंचरस भरा रास्ता आपको मसूरी में कहाँ मिलेगा, यहाँ से आओ यहाँ से। हाँ ये कीड़े बोल रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग रुके थे यहाँ पे, अपनी मोहिनी वगैरह खड़ी है और ये अपने लॉन्डे, और यहाँ पे थोड़ा सा व्यू पॉइंट था तो हम लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने लग गए, थोड़ी फोटो वगैरह शूट करी। हमको पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा, पूरा कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा भाई, ये पूरा शहर कितना बड़ा है, देहरादून सिटी, ऋषिकेश, हरिद्वार, अपना सहदारा, मसूरी भी दिख रहा है। गाइस जैसे कूड़े पड़ा हुआ यहाँ पे, कूड़ा व्यू दिखने को मिलते हैं ना, रुकने का मन कर ही जाता है यार फिर। अब मैं क्या, मेरे से आगे तो ये लोग चल रहे, पहले यही रुक जाएंगे। बाकी भाई अपना पूरा शहर, इतना बड़ा शहर भयंकर अलग ही दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पियेंगे हम लोग चाय ईया की दुकान में, तो गाते नहीं हम। फुल बनाना, फुल एक ही पूरी बनवाइए।
तो भाई व्यू चेक कर रहे हो, व्यू पीछे का, और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं भाई, क्या डेटिंग पॉइंट है यहाँ पे, डेटिंग पॉइंट बैठो यहाँ पे आके। भाई क्या नजारा है भयंकर जी। ओ चलो बोर्ड तो दिख गया, तो गाइस देख रहे हो ना कैमरे में थोड़ा सा वाइट दिखाता है, पर जो सड़क है ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत पतली सड़क है, बहुत पतली भाई साहब। यहाँ पे जंगल आ गया, अब ये हो गया जंगल शुरू पूरा, और ऑफ रोडिंग रास्ता, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, और बदल गया है रास्ता। अभी तक मस्त रोड थी, अब हो गई है थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, और भाई हाँ मेरे को पता है यार ये ट्रैवल बग का डायलॉग था पर मैंने मार दिया, तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत कॉपी चलती है। बाकी यहाँ पे स्कूल वगैरह भी हैं, तो स्कूल की लड़कियाँ बच्चे स्कूल के स्कूल पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे, खैर छोड़ो। आंटियाँ देखो कितनी मेहनत कर रही है, मतलब पहाड़ों पे भाई लाइफ स्टाइल इतना आसान नहीं होता है, पहाड़ों में रहन सहन बहुत अलग होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों को भाई यहाँ पे। बाकी अपन लोग तो भाई साहब नहीं कर पाएंगे इतनी मेहनत, अपन लोगों को आदत पड़ रखी है ना आलस, हमें देहरादून में रहने की, सब कुछ बिस्तर पे पड़ा हुआ मिलना चाहिए भाई, इधर रहना बहुत कठिन है, जो जो पहाड़ से उन्हें तो पता ही होगा। भागो 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 बच्चों भागो, शेर आया शेर, हेलो 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 हेलो। तो गाइस देख रहे हो स्कूल के बच्चे बस चल 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 बंद करके आएगी, बंद करके हेलो अरे हाय तो कर दो हाय और बाय कर, बात दो गई गाड़ी हमारी बाकी गाइस देखने में ढलाने पर गाड़ी क्यों नहीं उतर रही नीचे, पहाड़ों की रानी चल रही है हमारे आगे, जिसे बोलते हैं ऑल्टो, कहीं भी भग जाती है भाई साहब ये गाड़ी खतरनाक गाड़ी है, पर ये तो नया वाला मॉडल है, जो इसका ओल्ड मॉडल है ना भाई वो तगड़ा है भयंकर। तो गाइस गांव पहुंच गए हम, पता नहीं कौन सा गांव है, पर भाई क्या मस्त लग रहा ना कसम से। तो भाई गाड़ी में हमारी तेल थोड़ा कम हो गया है, भाई ब्यूटीफुल है कसम से, अब जगह पता नहीं कौन सी है पर अच्छा है, मस्त है बहुत। ये लिखा होगा ना यहाँ पे कद्दू खाल सुरकंडा देवी। तो गाइस यहाँ पे आ गया गांव, बाकी यहाँ पे एक रिजॉर्ट वगैरह है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब गांव का नाम तो मेरे को पता नहीं कौन सा, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं है, आगे खींचते हैं गाड़ी। तूने कहाँ देखा होने जाते हो, यहीं पे आगे निकल जाएगी। ये गांव देखो कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे इनके खेत वगैरह। ओ भाई रास्ता थोड़ा सा खराब होता हुआ यहाँ पे। ओह ओ गाइस कौन सी जन्नत में पहुँच गए हम, माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी, कह रहा कौन सी जन्नत में पहुंच गए भयंकर की, बहुत प्यारी जन्नत है तो जन्नत। आगे बच्चे कितने खुश होते हैं देखो, हेलो क्या हल्ला मचा रहे हो भाई, क्या क्या मतलब मैंने बोल बोल के परेशान कर दिया होगा ना आप लोग, वो क्या व्यू है क्या व्यू है, पर सच में भाई जन्नत इसे बोलते हैं, घूमो फिरो एंजॉय करो आप। बाकी लौंडों ने पेल दिया गाड़ी, ओ भाई आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है,
कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है ला 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 ला। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी बेसुरी आवाज़? जादू है भाई हमारी बेस। तो भाई यहाँ पे देखो ना क्या मस्त है देवदार के पेड़। हाँ ये है देवदार के पेड़। यहाँ भयंकर ठंड हो रही है भाई, भयंकर ठंड हो गई यहाँ पे। चंबा 21 किलोमीटर धनौल्टी नीचे और धनौल्टी ऊपर नीचे चंबा है। हमें कहाँ जाना है? तो गाइस ये रास्ता है, हमें जाना ऊपर की साइड पे। ऊपर लेना ऊपर। इसे क्या हो गया गाड़ी को? Let's go guys! तो गाइस हमने यहाँ से ले लिया है यू टर्न और मैं अपना चार्जर ऑन कर देता हूँ। तो गाइस ये आ गई है मेन रोड और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक शुरू हो गया है। ओ भयंकर हवा, तो आप चेक कर रहे होंगे पंख, ये देख रहे हो झंडे कैसे उड़ रहे हैं। तो भाई एकदम सुन्न हवा हो गई, मेरे हाथ देखो कैसे हो गए एकदम। पहुंच गए। उम्मीद की किरण। ओ गाइस सुरकंडा देवी का द्वार आ गया है, बस फटाफट गाड़ी लगाते हैं, प्रसाद लेते हैं और जय माँ सुरकंडा देवी बोल के चढ़ जाते हैं अपनी चढ़ाई पे। ये देखो ये सामने माता का द्वार है, यहाँ पे हमें गाड़ी लगानी है। कहीं कहाँ लगाए गाड़ी? पैर सुन हो गए रे भाई। हाँ तो गाइस अपन लोग पहुँच गए थे जस्ट अभी, और साइड में हमारी गाड़ी गुड़ी लगा दी हमने। बाकी भाई व्यू देख रहे हैं यहाँ का, इतना सेक्सी व्यू है ना। अभी लॉन्डो ने यहाँ पे चाय सी बना दी है। बाकी ये है माता का द्वार और फटाफट निकलेंगे हम ऊपर। इनको तो लग गई ठंड में है कर पूरा, बहुत ठंडा हो रहा है भाई साहब यहाँ पर। शॉल सुल ओढ़ के देखो, इसे देखो तो गाइस अपन लोगों की चाय आ गई है। बाकी भाई अभी चाय पी के फटाफट सुन हो रहे हैं यहाँ तो सबके सब। क्या बोलते हो कैसा लग रहा है? सुन नहीं हो गए भयंकर हाथू? चाय चू पी के हो गए अब एकदम फ्रेश, क्योंकि ये थकान लग गई थी भयंकर गाड़ी चलाते चलाते से। ये क्या पेट्रोल निकाल रहे क्या इसमें से? क्या निकाल रहे तुम भयंकर? तो गाइस प्रसाद ले लिया हमने, अभी प्रसाद ले लिया हमने, फटाफट निकलते हैं ऊपर। यार बहुत लेट हो रहा है क्योंकि मौसम देख रहे हो, बादल आ रहे हैं भयंकर, क्या खतरनाक लग रहे हैं बादल यहाँ पे। चलो भाई चले। हाँ तो गाइस जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, अभी तीसरा नवरात्रा है तो माता के दर्शन हो गए हमारे तीसरे नवरात्रों में ही, और बस निकलते हैं फटाफट। 10 बार बोल दिया होगा मैंने तुम्हें, बताया ना। देखो ये है माता का दरबार, माता का द्वार, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। तो बोलो जय माता की, शंकर भगवान की जय। मस्त रास्ता है यहाँ पे, ये मार्केट है यहाँ का। यहाँ का मार्केट है, बाकी लौंडे आ गए ऊपर। जल्दी जल्दी चलो, देखो वहाँ जाना हमने उस वाले पहाड़ पे, और ट्रॉली भी लग रखी है पर हम तो भाई पैदल रास्ते चलेंगे, आधा घंटा तो लग जाएगा। तो गाइस ये है ट्रॉली वाला रास्ता जिससे भाई चला नहीं जाता ज़्यादा, वो ट्रॉली से जाओ। ये देखो कैसे आ रही है, खाली आ रही है, अभी तो लाइन नहीं लग रही यहाँ पे, वरना लाइन लगी रहती है यहाँ पे, भयंकर लाइन लगी रहती है। और देखो ये है रास्ता, देखो थोड़े थोड़े रेस्ट पॉइंट भी बना रखे यहाँ पे, जैसे जैसे थकान लग जाती है ना लोगों को, हालत तो हमारी भी ख़राब हो गई भाई, ठंड ज़्यादा है ना यहाँ पे तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो रही है। तो गाइस यहाँ भी वो ये नहीं लगा रखा है प्रसाद, ना ना भैया इतने नहीं थक गए अभी तो मौसम ठंडा ही हो रहा है। जब तक आप पुरानी क्लिप देखो तब तक हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, हालत क्या हो गई थी हमारी यहाँ पे चढ़ते चढ़ते।
आगे चलना है या अभी ये नहीं? ना चलेंगे यार, अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी बैटरी थोड़ी चार्ज हो रही है। दोस्तों आप लोग भी आओ यहाँ पे माता के दर्शन करने, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो बहुत सुबह इस टाइम पे आना ना, क्या बोलते हो विष्णु भाई? बिल्कुल सही बात, आज विशाल भाई ने आज तीसरा नवरात्र है तो हमने सोचा भाई आज सुरकंडा देवी के दर्शन किए जाए। रास्ता कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया, पहले तो रास्ता देख रहे हो भयंकर कैसा खड़ा है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। दोनों तरफ से रुकी हुई है। ओ भयंकर की भाई साहब पहाड़ देखो आप, भयंकर फिर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, आवाज नहीं आई जय माता की, जय माता दी। पहुंच गए गाइस, बस थोड़ी सी दूर और बची है, बाकी गाइस यहाँ पे हम उतारेंगे अब अपने शूज वगैरह, और ये आ गया माता का द्वार, फटाफट शूज उतारते हैं। तो गाइस अभी जूते उतार दिए हमने यहाँ पे, और हमारे लौंडे वही बैठे हैं अभी, बाकी अपन लोग हाथ धुलेंगे यहाँ पे। ये है नलका, और बोलो जय माता दी। तो गाइस देखो द्वार सजा रखा है इस टाइम पे नवरात्रों की वजह से ना, तो बोलो जय माता दी। तो गाइस अभी यहाँ पे डांस चल रहा है, तो चेक कर रहे हैं यहाँ पे बॉय बॉयज, अलग ही यहाँ पे ना अलग ही वाइब्स है भाई, पता नहीं आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे डांस हो रहा है, मतलब माता के दरबार में आके लोग इतने खुश हैं भाई। भाई जो यहाँ का व्यू पड़ता है ना, ओ भाई इतनी ठंडी, इतनी ठंडी, इतनी ठंडी। चेक करो गाइस, बाकी बोलो जय माता दी। भाई कितना प्यारा लग रहा है ना मंदिर, पहले प्रसाद चढ़ाते फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस आप लोगों को अगर यहाँ की मतलब ड्रेस पहननी है तो आप वो भी पहन सकते हो, उसका चार्ज भी है। भैया कितना चार्ज है इनका ड्रेस का? ड्रेस का 150 रुपए। तो 150 रुपए चार्ज है इन ड्रेस का, और इस टाइप की फोटो खींच के देंगे भैया आप लोगों को, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है गाइस, बाकी माता का मंदिर तो बहुत अच्छा है। जय दीदी, आप बोलो दीदी, आप बोलो जय देवी देवताओं की, जय हमारे भक्तों की, जय जो ना बोले उसकी भी जय, जो ना बोले जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, माता तेरी सदा ही जय। पंडित जी ठीक है गाइस, दीदी गाइस, भाई बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे दर्शन करके माता के। बाकी गाइस यहाँ से ना पूरी हिमालयन रेंज दिखती है, चारों धाम दिखते हैं यहाँ से बोलते हैं, पर अभी वहाँ पे ना बादल आ रखे हैं पूरे, तो अभी नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा। जय बजरंगबली। तो गाइस अपने लौंडो के रिएक्शन तो पता कर लेते हैं कि भाई कैसा लगा आपको माता के दर्शन करके, बताओ। A1 बहुत अच्छा लगा भाई, A1। ये तो इंग्लैंड था रहा, ऐसे तो A1 तब सिवा 2-1 का 3-1 का इनके ही पता। बिल्कुल टूरिज्म स्थल है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। और गाइस नवरात्र में आके तो और सारी थकावट सब चीज भूल चुके हम, सिद्धि प्राप्त कर ली।
थकावट तो है ही नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ का व्यू देख रहे हो क्या मस्त आ रहा है। बस अब माता के दर्शन हो गए अच्छे से निकलते हैं। जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, वीर लोकड़ा ठाकुर साडी सदा ही जय, बाबा छत्रपाल भैरो तेरी सदा ही जय। ओ जयकारे वीर बजरंगे हर 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 महादेव, जय श्री राम। तो गाइस बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, अब निकल रहे हैं बस फटाफट भाई, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, बहुत ज्यादा जय हो। तो गाइस शाम के 4:30 बज गए और ठंड बढ़ गई है यहाँ पे बहुत ज्यादा, अब बस फटाफट निकलना है मैं घर यार, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी। इनको देखो आते हुए कैसी हालत हो रही थी, अब देखो कैसे रोला काट रखा इन्होंने। भाई साहब नीचे उतर रहे थे और भाई यहाँ पे मेरा पैर फिसल गया, वीडियो दे भाई मेरी हालत हो गई खराब, यहाँ पे उतरना मुश्किल हो रहा मेरे लिए ना, क्योंकि भाई ये जूते तो भाई मत लेना ये जूते ना, क्योंकि यार मेरा दूसरा वाला जूता था वो बैंक कल बारिश में भीग गया, तो मेरे को ये लाना पड़ा, अब बाद में नीचे उतरते समय ये स्लिप हो गया, अब पैर मेरा मुड़ गया। भाई साहब नीचे उतरना बहुत भारी पड़ रहा मेरे को, देखो भयंकर वहाँ जाना है भाई, तो मेरी हालत खराब हो गई। हाँ तो भाई पहुँच गया भाई नीचे, बड़ी मुश्किल है, बहुत मिन्नतों के बाद बहुत बुरा हाल हो गया भाई, बुरा हाल हो गया भयंकर उतरते उतरते भाई साहब। तो खैर छोड़ो, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो भाई ये थे वो दोनों बंदे जो बहुत लेट आए, अभी देखो बस अभी अभी आए मैं उतर के, पता नहीं क्या खेती कर रहे हैं यहाँ पे तीनों चारों। तो भाई बस निकल रहे हैं अब यहाँ से, अंधेरा हो गया है, मेरे चला भी नहीं जा रहा भाई साहब। तो भाई लोगों से पूछते भाई कैसा लगा आपको मंदिर आके, चलो भाई लेट्स गो पे। अब निकल रहे हैं घर के लिए और भाई बहुत लेट हो गया, अंधेरा हो गया, रात हो जाएगी जाते जाते, तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो भाई सीन हमारा कुछ ऐसा हो गया इस टाइम पे ना, पूरे एरिया में हम ही लोग खड़े हैं यहाँ पे और हमारी गाड़ी में हो गया तेल खत्म, अल्लाह का मतलब गाड़ी में हो गया तेल खत्म, ठीक है। तो भाई इस स्प्लेंडर में से निकाला जा रहा है तेल और सचिन भाई जुगाड़ कर रहे हैं। ओ भाई साहब कंपनी से आया था, उस कंपनी में लेके जाओ, पूछते हो चलता कैसे है ये। अरे हो गया हो गया, हम तो खड़े रह रहे के ठंडा लग रहा है, चलते ही रहो नीचे तो रहना से। तो भाई एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हो गया हमारे साथ, पहली बार ऐसे जंगलों में तेल खत्म हुआ है। अरे टेंशन ना ले यार,